हमने कल ही कह दिया है, आप उनके पास कागज लेके तो जाओ, ठीक है, और बाकी हम साथी में अगर कोई दिक्कत लगे तो बता दूंगा, ठीक है। उमा भारती का बयान आया है कि हिंदू दुनिया में सर्वाधिक सहिष्णु लोग हैं, लेकिन राम मंदिर की परिधि में मस्जिद निर्माण की बात उन्हें असहिष्णु बना सकती है, तो किस तरह से देखते हैं बयान? देखिए, जब जब गरीब कमजोर पिछड़ों के अधिकार की आवाज़ बुलंद हुई है, तब तब कोई न कोई सगुफा लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं, देश के नेता। उमा भारती जी से अगर पूछा जाए कि कभी आपने शिक्षा पे कोई डिबेट किया है, जो देश में सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 60% लोग अशिक्षित हैं, उनके विषय में क्या इनके पास कोई व्यवस्था है कि जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए? ये हमेशा गुमराहियत पैदा करने की बात लोग करते हैं। आज प्रदेश में, देश में बेरोजगारी चरम पे है, बेरोजगारी कैसे दूर हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इसके विषय में इनके पास चर्चा करने के लिए कोई समय नहीं है। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश की बात अगर किया जाए तो पूरे देश का नौजवान एक ही बात वो रट लगाया हुआ है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, उसके विषय में इन पर कोई चर्चा नहीं। मंदिर कोई रोक रहा है? ये लोग तो सरकार में है, दिल्ली सरकार, यहाँ सरकार, तो कौन रोक रहा है इनको मंदिर बनाने से और मस्जिद बनाने से?